आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं मोहम्मद तौफीक, BTS न्यूज़ एंड टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। रहमान रहीम, आज 6 दिसंबर 2022, आज से 30 साल कबल बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। दिन के उजाले में हुकूमत अदलिया की मौजूदगी में और उसके बाद केस चला, तो बेशर्मी की इंतहा यह है, जो हिंदू दहशतगर्द मस्जिद को ढाने के लिए आगे बढ़े थे, उन्होंने आके अदालत में बयान दिए कि हम मस्जिद तोड़ने नहीं गए थे वहाँ पे। जबकि सुप्रीम कोर्ट भी ये कहा मस्जिद तोड़ना यकीनन वो जुर्म है। उसके बाद कई एक फसादात हुए, लेकिन उसके बावजूद आज बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बन रही है। तो हमारा यकीन ये है, इस्लामी तालीमात है कि एक बार जब मस्जिद बन जाती है तो ता क़यामत वो मस्जिद रहती है। मस्जिद की शक्ल दीवार से नहीं है बल्कि मुकाम से है, और जिस मुकाम पर मस्जिद बन जाती वो ज़मीन से लेकर आसमान तक मस्जिद कहलाती। और हमारा यकीदा है, यकीन है कि इंशाल्लाह दोबारा उस जगह पर हैया अल सलाह, हैया अल फलाह की आवाज़ गूंजेगी। वो कैसे गूंजेगी इंशाल्लाह आने वाले हालात बताएंगे। और अल्लाह की ज़ात पर यकीन भी है कि जिस घर में अल्लाह ताला की इबादत की जाती है उसको बड़ा तब्दील भी किया जाए तो तारीख गवाह है। बैतुल्लाह की मिसाल हमारे सामने मौजूद है, आया सोफिया की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। इंशाल्लाह ताला ये भी नज़ीर बन के आगे देखने नज़र में आएगी इंशाल्लाह।